इलेक्ट्रिक्स, दो तरह के मटेरियल हमने पढ़े हैं, एक कंडक्टर्स और दूसरे नॉन कंडक्टर्स। ये नॉन कंडक्टर्स डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। नॉन कंडक्टर्स जो कंडक्ट नहीं करेंगे, इसे डाइलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से अपोज करते हैं? तो दो प्लेट के बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये दो प्लेट, इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, इसके कारण यहाँ इंड्यूस हो गया नेगेटिव चार्ज, और इसके बीच में ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिजिनल स्ट्रेंथ है ई ओ। यहां पर इंसुलेटेड मटेरियल भरा हुआ है, उस इंसुलेटेड मटेरियल का बिहेवियर देखिए। इंसुलेटेड मटेरियल का बिहेवियर, दैट इज ए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, वो मेटल नहीं है, तो उसका पॉजिटिव चार्ज और उसके निगेटिव चार्ज कहां पर होंगे? देखिए, एक तो हमने देखे हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं जो डायपोल होते हैं, डायपोल जैसे NaCl। NaCl किस तरह से बनता है? सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो इसका चार्ज कैसा हो गया? प्लस ई, और क्लोरीन के एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन को डाला, तो उसका चार्ज कैसा हो गया? Cl माइनस। ये प्लस ई और ये माइनस ई, इन दोनों के बीच में कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे के बॉर्डर तक आएंगे और आकर यहाँ पर रुक जाएंगे। उस समय इनके सेंटर में यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस मेंटेन होगा। दिस हैज बिकम डायपोल, ठीक है? अगर ये डायपोल है तो इसका अपना एक डायपोल मोमेंट होगा, जिसका फॉर्मूला हमको मालूम है, डायपोल मोमेंट इज क्यू इंटू टू एल, टू एल इज डिस्टेंस बिटवीन देम। ये पोलर मटेरियल होता है। अच्छा, NaCl एक नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, लेकिन इसके पास डायपोल मोमेंट है। उसके कारण क्या होगा? उसके कारण इसमें एक कैपेबिलिटी होती है कि ये अपने अंदर और अपने बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, अपने अंदर और अपने बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है? तो आंसर है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बना है? इसका एक रीजन ये भी है कि इसका प्लस का सेंटर ये और माइनस का सेंटर ये, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस नहीं होता तो 2L की वैल्यू जीरो होती, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना होता? जीरो। तो हम ये कहते कि इसके पास कोई इफेक्टिवनेस नहीं है, कोई ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में प्लस चार्जेस भी होते हैं और माइनस चार्जेस भी होते हैं। अगर प्लस का एक ढेर है, माइनस का एक ढेर है, एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप में कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं, तो सेंटर ऑफ चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हमने कैलकुलेट किया,
सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हमने कैलकुलेट किया, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ प्लस और सेंटर ऑफ माइनस दोनों को कैलकुलेट करके हमने बनाया, यहाँ पर आया सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और यहीं पर आया है सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो गया? जीरो। अगर इन दोनों के बीच डिस्टेंस जीरो हो गया तो डाइपोल मोमेंट कितना हुआ? जीरो। तो इसके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो हमने आपको एग्जांपल दिया कि एक हमारे पास मॉलिक्यूल है O2। O2 में क्या होता है? एक ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन O and O, ये दोनों मिलाकर O2 बनता है। इस O2 में यहां पर पॉजिटिव चार्जेस हैं और बाकी पूरे में नेगेटिव चार्जेस। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इनका सेंटर कहाँ आएगा? आंसर है पॉजिटिव, पॉजिटिव का सेंटर यहाँ आएगा। अब नेगेटिव की बात देखिए, ये सब नेगेटिव हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसकी सिमेट्री से हमको पता लगता है 6 इधर है 6 इधर है, तो पूरे के पूरे 12 का अगर सेंटर निकालने को बोला जाएगा तो वो भी यहीं पर आएगा। इसी पॉइंट पर निगेटिव का सेंटर भी आ गया, इसी पॉइंट पर पॉजिटिव का सेंटर भी आ गया, तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हुआ? जीरो। अगर जीरो डिस्टेंस हो गया तो इसके पास डायपोल मोमेंट नहीं। ऐसे ऐसे डायलेक्ट्रिक को, ऐसे इंसुलेटर को, ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल है ऑक्सीजन, और इसके पास डायपोल मोमेंट भी नहीं है, इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर। इसके पास अपना खुद का डायपोल मोमेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोलर। और दोनों क्या चीज है? डायलेक्ट्रिक। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ये भी डायलेक्ट्रिक है, ये भी डायलेक्ट्रिक है, दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक है और ये वाला पोलर डायलेक्ट्रिक। इसका अपना एक डायपोल मोमेंट होता है और इसका डायपोल मोमेंट नहीं होता है। तो पहली चीज हमने लेसन ये देखा दैट डायलेक्ट्रिक्स आर ऑफ टू काइंड्स, वन इज नॉन पोलर एंड वन इज पोलर। नोट करिए, डायलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स, डायलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, which do not conduct electricity. Number 2, there are two types of dielectrics. There are two types of dielectrics. Number 1, non-polar. Non-polar को थोड़ा डिटेल लिख लेते हैं। In non-polar dielectrics, in non-polar dielectrics, the center of positive charges, center of positive charges and center of negative charges, center of positive charges and center of negative charges coincide. Go inside bracket में there is no distance between them. Go inside bracket में इसका meaning क्या लिखेंगे? There is no distance between them. Therefore they do not have
a dipole moment of themselves. They do not have a dipole moment of themselves. उनका अपना dipole moment नहीं होता. Example, oxygen molecule, nitrogen, CO2 and other symmetrical molecules. ये बात समझ में आ रही है? CO2 एक C है, जितना दूर इधर का O है उतना ही दूर इधर का है, और एंगल कितना होता है 180, सो दैट इज ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. तो सिमेट्री होने से क्या होगा, माइनस का जहां सेंटर आएगा वहीं पर प्लस का सेंटर आएगा. ठीक है, तो ये सब कैसे हैं, नॉन पोलर. उसके बाद लिखिए पोलर डायलैक्ट्रिक्स. पोलर डायलैक्ट्रिक्स आर सच मटेरियल. पोलर डायलैक्ट्रिक्स आर सच मटेरियल विच हैव डायपोल मोमेंट विच हैव डायपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन विच हैव डायपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन. फुल स्टॉप. इट इज पॉसिबल बिकॉज It is possible because the center of positive charges and negative charges, the center of positive charges and negative charges do not coincide and have certain distance between them and have certain distance between them. ठीक है, ये है डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स. दो तरह के डायलैक्ट्रिक होते हैं. अब इसके बाद अगली चीज हम पढ़ते हैं, बिहेवियर ऑफ ए डायलैक्ट्रिक. क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट नोट करिए, बिहेवियर ऑफ ए डायलैक्ट्रिक. बिहेवियर ऑफ ए डायलैक्ट्रिक इज इंपॉर्टेंट. बिहेवियर ऑफ डायलैक्ट्रिक इज इंपॉर्टेंट when it is placed in an electric field. उसके बाद नंबर वन, when non-polar molecules are placed in the electric field, the negative charges are pulled towards positive plate, comma, positive charges are pulled towards negative plate. Therefore, their centers are separated. सेंटर किस तरह से सेपरेट होते हैं, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, प्लस और माइनस ऐसे हैं. अब यहां के जो माइनस हैं, ये माइनस
आपको यहां लिख रहा, ये जो माइनस है ये ऐसे सपोज ऐसे घूम रहे हैं, इस रास्ते में सिक्स इसके और सिक्स इसके, ये सभी माइनस ऐसे घूम रहे हैं और ये सबका सेंटर है, इसके सारे प्लस यहां पर थे, इसके सारे प्लस यहां पर थे और प्लस का सेंटर भी यहां था। अब जैसे ही हमने उस पर प्लस और माइनस लगाया, ये प्लस और माइनस, तो ये जो माइनस है ये इस प्लस के अट्रैक्शन के कारण अपना रास्ता बदल के ऐसे घूम रहे हैं, ये पुराना है और ये इनका नया रास्ता, इस तरह से। अब अगर ये ऐसे घूमते हैं तो पहले ये जो इनका सेंटर था, अब ये इनका सेंटर हो गया, सेंटर थोड़ा सा इस तरफ आ गया। ये बात समझ में आई? क्यों? सब के सब इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सारे अपना मोशन कर रहे हैं, मोशन करते करते सब थोड़े से वहां से डिस्प्लेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फोर्स। लॉजिकल है? ओके। पॉजिटिव चार्जेस पर ये निगेटिव, ये पुल करेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस थोड़ा थोड़ा अपनी जगह से ये डिस्प्लेस हो गए, तो ऐसा होने से इन दोनों का सेंटर यहां चला गया, ये पॉजिटिव का सेंटर बन गया और ये वाला निगेटिव का सेंटर बन गया। अब आप देखिए पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में ये डिस्टेंस क्रिएट हो गया, ये किसका सेंटर है? पॉजिटिव का। ये किसका सेंटर है? निगेटिव का। ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2L। अभी क्या बन गया? डायपोल। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस और बीच में डिस्टेंस 2L। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा तो उसमें डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया एंड इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज ए डायपोल। ये बस समझ में आई? बस यही लिखना है। क्या लिखा था अभी लास्ट सेंटेंस? Their centers are separated. Now they behave like a dipole. Now they behave like a dipole. And a dipole moment is created. Yeah, a dipole moment develops between them. A dipole moment develops. डायपोल मोमेंट डेवलप्स, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें डायपोल मोमेंट डेवलप हुआ। अब इसको हम ऐसा देखते हैं कि प्लस है माइनस है, पहले हम ऐसा देखते थे कि यही प्लस है और यहीं पर माइनस है, अब प्लस एक तरफ हो गए माइनस एक तरफ हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब हम इसको कैसा देखते हैं? एज ए डायपोल। डायपोल में एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है और ये मॉलिक्यूल है जो कि पहले ऐसा था अब ऐसा है, प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ, दोनों के बीच में डिस्टेंस। ये शेप समझ में आ गई? ये नई शेप बनी किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अच्छा, जब ये शेप ऐसी बन गई तो एक और चीज, प्लस से माइनस तक कहीं पर भी प्लस चार्ज हो और माइनस चार्ज हो उसमें क्या क्रिएट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक काम करेगा? प्लस से माइनस तक। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा प्लस टू माइनस, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ जो कि पहले नहीं था। अच्छा, अब यहां पर देखिए, यहां पर एक मॉलिक्यूल था वो स्ट्रेच हुआ एस, इसके बाजू वाला भी ये उसके साइड वाला और ये इसके साइड वाला, हर एक में प्लस की तरफ कौन आ गया? माइनस, और इधर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस,
यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बना, प्लस से माइनस की तरफ, ये यहां प्लस से माइनस, कंटिन्यू प्लस टू माइनस, कंटिन्यू प्लस टू माइनस, तो यहां से लेके यहां तक ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। किसके कारण? पोलराइजेशन के कारण। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में किधर लगाया था? तो आंसर है, शुरू में तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया था। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? ई ओरिजिनल। ये इसके अंदर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने सब में पोलराइजेशन कर दिया उल्टा, और एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, बिना टच किए एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, इसलिए हमने इसको बोला इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम रखा इसका? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हमने इसका नाम दे दिया ईपी। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ये पैदा हो गया। अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नापने गए। जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नापने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? हमको रीडिंग क्या मिलेगी? ई ओ इस तरफ या ई पी इस तरफ या दोनों का रिजल्ट है? ऑफकोर्स दोनों का रिजल्ट है। ये हमने ई लगाया था 100, इसके कारण ये ई ओ पैदा हुआ 40। तो जब हम नापने जाएंगे यहां पर तो हमको कितना दिखेगा? 60 इस डायरेक्शन। उसका हमने यहां गए मीटर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड 60 है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल और इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन, इन तीनों का रिलेशन बोलिए। यू कैन मेक इट वेरी वेल। क्या क्या होगा बोलिए? यस गुड, ई। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया था? ई ओ। ये बढ़ गया, कम हो गया कि उतना ही रहा? कम हो गया, क्योंकि ईपी ने उसको माइनस किया। तो एक चीज हमको समझ में आई कि जब भी कहीं पर डाइलेक्ट्रिक होगा और हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा, ये हमने कौन से लगाए थे? नॉन पोलर। अगर हम पोलर लगा देंगे तो क्या होगा? तो आंसर है, अब तो काम और भी आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर को तो खींच के पोलराइज करना पड़ा था, उसको तो खींचने की जरूरत नहीं है। उसको क्या होगा? तो उसका ये होगा कि अगर हमने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, देखिए एक मॉलिक्यूल ऐसे खड़ा है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो अपने आप ऐसे हो जाता है। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया, ये प्लस और इधर माइनस, प्लस माइनस, ये एक डायपोल है इसके अंदर, जैसा अभी हमने यहां NaCl बनाया था। NaCl में Na क्या होता है? प्लस, Cl माइनस, तो ये Na इधर चला जाएगा या Na इधर चला जाएगा, बताइए? ये प्लस है और ये माइनस है, तो Na किधर जाएगा? Na प्लस है, इधर जाएगा, ये ठीक है। NaCl ऐसा खड़ा हो गया। अब इधर Na का प्लस है, Cl का माइनस है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बना? ऐसे। हमने प्लेट कैसी लगाई हुई है? प्लस माइनस, तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया? ऐसे। ये कौन सा है? E ओरिजिनल। ये कौन सा है? E ड्यू टू पोलराइजेशन। तो नेट E हमको कितना मिलने वाला है? ई ओ माइनस ई पी, जो कि ई ओ से कम होगा। ठीक है, वही चीज हो रही है। तो हमारे लिए एक आसानी हो गई एक प्रिंसिपल याद करने के लिए कि डायलेक्ट्रिक आप डालिए, अगर डायलेक्ट्रिक नॉन पोलर है या पोलर है, दोनों केसेस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डिक्रीज। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हो गया, इसको नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज डिक्रीज। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, इसको हमने ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर किया,
हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था ना ई ई ए, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें क्रिएट हुआ ये किसके प्रोपोर्शनेट होता है, तो हमारा आंसर है ये ईओ के प्रोपोर्शनेट होता है। जैसे सुनिए, ईओ हमने लगाया 100, ये बना 60, नेट कितना आया 40। अब इसको हमने कर दिया 200, तो नेट कितना हो गया 80। इसको हमने कर दिया 300, तो नेट कितना हो गया 120। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनेट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनेट टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ये आपको कितना बड़ा मिलेगा, जितना बड़ा आप उसको लगाएंगे। सो ईओ इज इक्वल टू के इंटू ई, के क्या चीज है, के इज इक्वल टू ई ओ अपॉन ई। ये के कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। यहां पर अगर आप ई का फॉर्मूला निकालेंगे तो ई इज इक्वल टू E नॉट अपॉन टी। जितना हम ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ये जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, उतने टाइम्स ये उसको लेस कर देगा। जैसे कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 20, E नॉट 20, वहां पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 5 वाला स्लैब डाल दिया, एक स्लैब इसमें डाला, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना है 5, तो ई हमें कितना मिलेगा 4 20 अपॉन 5, 5 टाइम्स लेस। ये बात समझ में आई। हमने वो 5 कैसे निकाला, हमको पहले से 5 नहीं मालूम है, हमने तो एक अननोन डायलेक्ट्रिक लिया और इसमें ऐसा डाला, इसकी वोल्टेज ना निकाला, फिर वोल्टेज नाप ली, ये डाला फिर वोल्टेज नाप। वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनेट होती है, ई के। वोल्टेज इज इक्वल टू ई इंटू डी, दोनों बार डी तो इतना ही है, तो हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, ई को। तो एक बार ई हमने ऐसे नापा वोल्टेज के फॉर्म में, दूसरी बार ऐसे नापा और देखा कि एक बार हमको 20 मिला और एक बार हमको 4 मिला, 20 मिला और 4 मिला, तो के कितना हुआ 5। किसका के 5 है, इसका। तो डाइलेक्ट्रिक हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक करता है, और जितने टाइम्स वीक करता है वो उसका क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट, क्योंकि उसको कहीं भी डालेंगे उतने टाइम्स वो वीक करेगा ही करेगा। समझ में आ गया। तो उसको ई की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, अगर इस ई को हम 100 कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 100 करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 5 20, तो ये क्या बन जाएगा 20। ये अपनी वैल्यू नहीं बदलेगा। ये बात समझ में आई, दिस इज व्हाट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर डाइलेक्ट्रिक की एक प्रॉपर्टी होती है। ये जो डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है ये किस कारण से है, फिर से मैं घुमा के उसी बात को बोल रहा हूं। ये जो डायलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेस कर देती, रिड्यूस कर देती है, इसका रीजन क्या है, आंसर है इसका रीजन है मॉलिक्यूल का पोलराइज हो जाना। पोलराइज हुआ तो उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, तो इसका रीजन कौन है, पोलराइजेशन। ठीक, तो पोलराइजेशन हमने एक क्वांटिटी बनाई। अच्छा, पोलराइजेशन कब होता है, तो आंसर है कि जब यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है, यहां कुछ चार्ज डेंसिटी है, इसने ये सारे मॉलिक्यूल्स को ऐसे खींच
खींचा है तो पोलराइजेशन हुआ। अगर ये चार्ज डेंसिटी यहाँ पर नहीं होती तो पोलराइजेशन नहीं होता। जितने ज्यादा चार्ज होंगे, अगर यहाँ पर ऐसे पांच चार्ज हैं तो इसके सामने कितने मॉलिक्यूल आके पोलराइज होंगे? पांच। और अगर दो चार्ज हैं तो इनके सामने दो। तो पोलराइजेशन की क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है? चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी पे पोलराइजेशन डिपेंड करता है। तो हमने उन दोनों की क्वांटिटी बना ली कि दोनों इक्वल होते हैं, जितने चार्ज उतना पोलराइजेशन। तो हमने एक क्वांटिटी बनाई, दैट इज पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। यस, हाँ अभी हम आएंगे उस पर करेंगे बिल्कुल। तो जो चार्ज डेंसिटी होती है, एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू पोलराइजेशन पी। दिस इज पोलराइजेशन। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली करेक्शन है इसमें। पोलराइजेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज पी? पोलराइजेशन किसका पोलराइजेशन? पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये पोलराइजेशन पी। तो ये पी किसके बराबर होता है? सिग्मा के बराबर होता है। लेकिन पोलराइजेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वो एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज होते हैं, हर तरफ नहीं। दिख रहा है? कौन सी डायरेक्शन में? ई की डायरेक्शन। तो पोलराइजेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और चार्ज ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के बराबर नहीं हो सकती। हो सकती है अगर हम इसमें एक ऑपरेशन करें। कौन सा ऑपरेशन? दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। तो जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें डॉट प्रोडक्ट तो क्या बनता है? वर्क, विच इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, पी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस वी मल्टीप्लाइड विद वेक्टर एम, यूनिट वेक्टर एम। व्हाट इज यूनिट वेक्टर एम? यूनिट वेक्टर एम, एम स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, यूनिट वेक्टर वन। ये प्लेट है, इस प्लेट की जो नॉर्मल डायरेक्शन है, ये नॉर्मल डायरेक्शन में वन डिस्टेंस, डिस्टेंस हाउ मच? वन। नॉर्मल डायरेक्शन में ये क्या बना? एक यूनिट वेक्टर। कौन सा यूनिट वेक्टर है ये? एंड इस यूनिट वेक्टर को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? पी से। ये पोलराइजेशन हुआ माइनस टू प्लस। पोलराइजेशन की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस टू प्लस। ये पोलराइजेशन की डायरेक्शन, ये एम की डायरेक्शन, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए तो क्या बनेगा? स्केलर क्वांटिटी। वो स्केलर क्वांटिटी क्या है? वो स्केलर क्वांटिटी ये रही, ये सिग्मा। एक सिग्मा लीजिए, एक पोलराइजेशन होगा किस डायरेक्शन में? नॉर्मल टू द सरफेस। फिर से ये सरफेस है, यहां पर हमने एक चार्ज रखा, इसके कारण यहां पोलराइजेशन हुआ। किस डायरेक्शन में पोलराइजेशन हुआ? इस डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? एम, नॉर्मल टू दिस सरफेस। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए, पोलराइजेशन मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर नॉर्मल, दिस, ये इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। वो स्केलर क्वांटिटी क्या है? चार्ज, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये रिलेशन किस किस का आया? चार्ज पोलराइजेशन। समझ में आ गया? तो चार्ज और पोलराइजेशन, फिर से
ये हमारे पास एक एरिया है, इसमें पांच चार्ज हैं, कितने मॉलिक्यूल पोलराइज होंगे? पांच। 20 है तो 30 है तो चार्ज इज इक्वल टू पोलराइजेशन। थोड़ा सा हमने आपसे ये कहा कि भैया पोलराइजेशन वेक्टर होता है, जरा उसकी इज्जत रखिए। तो आपने कैसे इज्जत रखी इसकी? पी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर एन। अब वो क्या बन गया? स्केलर क्वांटिटी, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। बस अदरवाइज याद क्या रखना है? चार्ज इज इक्वल टू पोलराइजेशन, जितने चार्ज उतने इधर पोलराइजेशन, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू पोलराइजेशन डेंसिटी, ये आ गया। ओके, ये एक रिलेशन आप याद रखेंगे। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो कितना होता है? यहां पर हमने चार्ज डेंसिटी हमने लगाई सिग्मा ओरिजिनल। अब इसके अंदर ये ए प्लस 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 कितने सिग्मा, ये इसके साथ आके चिपक गए माइनस 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 माइनस, कितने जितने इंड्यूस हुए, जितने पोलराइज हुए। तो इसको हमने क्या किया कि ये जो पोलराइज हुए उसने कितना चार्ज बनाया? सिग्मा पी, ये उसका चार्ज आया। ओके, ये अगर सिग्मा पी उसका चार्ज आया तो वहां पर नेट चार्ज कितना बचा? सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ये क्या हो गया? नेट चार्ज। फिर से हमने चार्ज लगाया 100, सामने से 60 मॉलिक्यूल ऐसे आ गए, तो यहां चार्ज कितना बचा? 40, दैट इज सिग्मा माइनस सिग्मा पी। अब किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसका फॉर्मूला आपको याद है, अभी अभी हमने किया था गॉस थ्योरम में, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये किया था। तो इसी फॉर्मूले को हमने लगा दिया, अगर ये एक सिंगल सरफेस है, अगर डबल सरफेस है देन दिस विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर में ये प्लस वाली प्लेट ये माइनस वाली प्लेट, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है याद है आपको? अभी कैपेसिटर में भी हमने किया था, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिया था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाहर कितना लिया था? जीरो। ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा क्या है? नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द प्लेट। अब यहां पर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज डायलेक्ट्रिक डालने के कारण बदल गया, अगर वहां कुछ नहीं होता तो हमने कितना दिया था? सिग्मा, फॉर्मूला क्या होता? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने डायलेक्ट्रिक डाल दिया, उस डायलेक्ट्रिक ने इतना रिडक्शन कर दिया, तो अब नेट चार्ज इतना हो गया, दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये क्या मिला हमें? ई। ठीक है, तो ये ई का फॉर्मूला बना, दिस दिस दिस। तो इसी फॉर्मूले में हमने पोलराइजेशन को भी डालना है, तो कैसे डालेंगे? दिस इज सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ये जो सिग्मा है पोलराइजेशन, सिग्मा पोलराइजेशन ये किसके बराबर होता है? दिस सिग्मा पोलराइज, सॉरी इसको पोलराइजेशन लिखेंगे आप, सिग्मा पोलराइजेशन इज इक्वल टू, सिग्मा पोलराइजेशन इज इक्वल टू पी डॉट एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन किधर है? तो आंसर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी एन की तरफ है। अच्छा, ये क्वांटिटी हमने कैसी बना दी है? स्केलर, लेकिन ई कैसा है? वेक्टर, तो ई को भी स्केलर बना देते हैं। ई को स्केलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट, तो ई डॉट एन इज इक्वल टू दिस, ये फॉर्मूला ई का। अब इसमें देखिए सिग्मा किसके बराबर हुआ? जो ओरिजिनल चार्ज हमने दिया था, सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई एन माइनस पी एन,
या एन अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, ये माइनस इधर आएगा, प्लस प्लस. सो दिस इज, इन दोनों से हम एन कॉमन निकाल सकते हैं. सो दिस इज एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी एंड एन चार्ज. अब ये एक जो क्वांटिटी आई है, ये एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ये क्वांटिटी फिजिक्स में हम एनालॉगी करेंगे मैकेनिक्स से. तो चार्ज के साथ ये क्वांटिटी लगी हुई है, यू विल से दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू डिस्प्लेसमेंट. किसका डिस्प्लेसमेंट? तो आंसर है दिस इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट. Epsilon naught E plus P is called electric displacement. Okay, इसको नोट करिए. ये एक बड़ा रेयर क्वेश्चन है, बहुत कम पूछा जाता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट. तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको क्या बताना है, व्हेनेवर अ डायलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेनेवर अ डायलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन देयर इज सर्टेन पोलराइजेशन. पोलराइजेशन टेक्स प्लेस, देन द क्वांटिटी एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अदरवाइज ये इतनी रेयर टर्म है कि आपको याद नहीं आएगी कि इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट होता क्या. तो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन पूछे जाते हैं, कभी कभार पूछे जाते हैं, जितना टफ एग्जाम होगा इस तरह के क्वेश्चन निकालेगा, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, अब इस डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे डी से, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी. तो डी किसके बराबर हुआ, डी इज एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी. ये है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला. अब चार्ज के साथ इसका क्या रिलेशन हुआ, चार्ज सिग्मा इज इक्वल टू, ये है डी और ये है एन. सो वी विल राइट इट डी एन, इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्प्लेसमेंट डॉट एन. ओके, ये चार्ज हो गया. ओके, नेक्स्ट लिखिए सिग्निफिकेंस ऑफ, सिग्निफिकेंस ऑफ टी, कैपिटल टी, सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल टी. इन वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड ई is related to, electric field E is related to charge density sigma. Charge density sigma, क्या relation होता है,
तो ये रिलेशन हमको मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सबको मालूम है। सो ये कहां पर है, फ्री स्पेस में या वैक्यूम में। उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखिए, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट, देन द रोल ऑफ ई इज टेकन बाय डी, द रोल ऑफ ई इज टेकन बाय डी। सो द चार्ज इज इक्वल टू, यहां पर चार्ज किसके बराबर है, चार्ज इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। अगर हमने इसमें डायरेक्ट्रिक डाल दिया तो चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और ई की जगह क्या आ जाएगा, डी। चार्ज इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी। ओके, नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ डी एंड ई, द रेशियो ऑफ डी एंड ई, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पोलराइजेशन, दिस so this is equal to sigma epsilon naught upon sigma minus sigma p, और इस पूरे को ये इतने को ये इसको हमने मान लिया k, तो ये क्या हो गया k epsilon naught d upon e is equal to k epsilon naught, और d इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के वेयर k इज द इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। Now we know that P is equal to, P is what? Polarization. Polarization is equal to displacement minus epsilon naught K. ये हम लोगों ने इधर किया है, क्या पर D ये minus P is equal to epsilon naught, P is equal to D minus epsilon naught, माइनस एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के, यहां से ई इज इक्वल टू ई माइनस एप्सिलॉन नॉट ई, एंड दिस इज इक्वल टू डी को एप्सिलॉन नॉट के माइनस वन, is epsilon naught k minus 1 into e. P is equal, polarization is equal to k minus 1 e electric field. ये यहीं से ही सब निकले हैं, d अपॉन e इसकी वैल्यू रखी, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी, इससे p की यहाँ से वैल्यू लेके आए, सबको आपस में कंबाइन किया, ये बन गया।
ओके, तो ये हमने बनाया क्यों? तो इसमें जो जो क्वांटिटीज हैं उनके आपस में रिलेशन देखने के लिए पी क्या चीज है? पोलराइजेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक। पोलराइजेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक किस पर डिपेंड करता है? तो ये इस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतना पोलराइजेशन होगा। और उसकी एग्जैक्ट डिटेल क्या है? एप्सिलॉन नॉट के माइनस वन। ये क्या चीज है? डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट डी अपॉन ये हमने बनाया, ई इसके बराबर होता है, ई इसके बराबर होता है, इसलिए डी अपॉन ई इसके बराबर होगा। हम डी और ई में रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो यहां से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, ई की वैल्यू ये, ई की वैल्यू ये, तो डी अपॉन ई की वैल्यू ये, और के इसमें आ गया, तो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई। ये चीज हमने कहां यूज करनी है? जहां पर डायलैक्ट्रिक है। जहां डायलैक्ट्रिक नहीं है वहां पर सिर्फ के रहेगा। हाँ बोलिए। एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, और ये देखिए सिग्मा। ओके, देखो ई की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा, करेक्ट। एन मतलब यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, डी अपॉन ई, ये रहा डी, ये रहा ई, डी को क्या लिखूं? सिग्मा, सिग्मा अपॉन ई को क्या लिखूं? ई, ये रहा ई को क्या लिखना है? सिग्मा। लेकिन पोलराइजेशन में ये सिग्मा क्या बन चुका है? ये डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा। ठीक है, ये दो स्टेप को हमने एक स्टेप, इज इट क्लियर नाउ? यस सर बोल के आप जल्दी से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि एज सर बहुत बोरिंग है और किसी स्कूल में पढ़ाते भी नहीं है। एनीवे, मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ाया क्योंकि मैंने एक कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन देखा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, और 90% बच्चों ने इसका आंसर नहीं दिया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। आप भी किसी से पूछेगा तो नहीं बता पाएगा आपको, क्योंकि इसको कोई नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? अभी आपको समझ में आ गया कि क्यों नहीं पढ़ता, क्योंकि जैसे ही शुरू होता है सबको नींद आ जाती है। एनीवे, सो ये फिर से आप देखिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको यही याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का किससे रिलेशन होता है? चार्ज। जितने ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला रिलेशन इधर ध्यान दो, ये रिलेशन कब होता है चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का? जब मीडियम कौन है? कोई नहीं। देखिए, अगर मीडियम में हम डायलैक्ट्रिक भर देंगे तो चार्ज का रिलेशन ई से ना होके ई के साथ एक और क्वांटिटी जुड़ जाएगी, पोलराइजेशन। उन दोनों क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? डी, डिस्प्लेसमेंट। तो अब चार्ज का रिलेशन किससे बोला जाएगा? डी से। वैक्यूम है तो किससे बोला जाएगा? ई से। चार्ज और यहां डायलैक्ट्रिक है तो किससे बोला जाएगा? डी से। वो डी क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं जो चल के जाने वाला, डिस्प्लेसमेंट मतलब बदले में। तो पहले चार्ज का रिलेशन किसके था? ई से। अब
डिस्प्ले यहां पर क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक। तो चार्ज का रिलेशन E के बदले में किससे हो गया, D इज वॉट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ E। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है कौन है, तो आंसर है कि वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। ये क्या चीज है, E तो है ही है, इसके साथ ये P और आ गया, समझ में आया। तो E का डिस्प्लेसमेंट कौन हो गया, एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, ये डिस्प्लेसमेंट उसके बदले में। जैसे आज रोज एक काम मोहन करता है, एक दिन वो नहीं आया, उसके बदले में सोहन आया, तो मोहन का डिस्प्लेसमेंट कौन है, सोहन। हाँ, तो सोहन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो चार्ज, चार्ज किससे रिलेटेड होता है, ई से। और एक दिन ई नहीं आया, क्यों नहीं आया, डाइलेक्ट्रिक की बरसात हो रही थी, तो उसके बदले में कौन आया, उसका डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट कौन है, ये है, समझ आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, एनीवे जी हाँ, अच्छा अब इसके बाद एक छोटी सी चीज हमने और करनी है, दैट इज ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबल, ससेप्टिबिलिटी ये बहुत कॉमन वर्ड है और बहुत काम में आता है। ससेप्टिबिलिटी शब्द को समझिए, ससेप्टिबिलिटी मतलब प्रभावित होना। जैसे अ लिटिल चाइल्ड इज मोर ससेप्टिबल टू कोल्ड देन ए ग्रोन अप। इस सेंटेंस का मतलब सब जानते हैं, छोटे बच्चे को ठंड लगने की संभावना ज्यादा होती है, तो हम क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी, वो ज्यादा ससेप्टिबल है, अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो ये ससेप्टिबिलिटी, संभावना ज्यादा होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल में ससेप्टिबिलिटी ये होती है कि यहां पर एक मीडियम हमने भरा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया 100, इसके अंदर 40 मॉलिक्यूल ऐसे सीधे हो गए, पोलराइज हो गए, एक डायरेक्शन में आना मतलब पोलराइज, कितने 40, ठीक। अब हमने क्या किया, इस मीडियम को निकाल दिया, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा मीडियम डाला, उसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल पोलराइज हुए, गिना 60, पहले मीडियम में कितने हुए थे 40, दूसरे में कितने हुए 60, दूसरे का पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है, तो हमने किताब में लिख दिया मीडियम नंबर 2 इज मोर ससेप्टिबल देन द मीडियम 1, मोर ससेप्टिबल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर असर ज्यादा होता है। किस चीज का असर, पोलराइज होने का असर। तो ये है ससेप्टिबिलिटी, तो ससेप्टिबिलिटी ये किस पर डिपेंड का। अच्छा, आप दूसरी चीज देखिए, ये एक चीज हुई, तो अलग अलग मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी अलग अलग हो सकती है। दूसरी चीज, ये जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन हमने देखा कि 40 मॉलिक्यूल सीधे हो गए, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डबल कर दिया, 80 हो गए, फिर हमने इसको 3 गुना कर दिया, 120 हो गए। रेशियो हमेशा कितना है, 3। व्हाट इज दिस 3, 3 इज ससेप्टिबिलिटी, 3 इज ससेप्टिबिलिटी कि आप जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उसका 1/3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोलराइजेशन। तो ये क्या चीज है, ससेप्टिबिलिटी, यहां ससेप्टिबिलिटी कितनी है, 3। दूसरा मटेरियल हम लेकर आए, तो उसमें हमने क्या देखा कि हमने 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और इसमें 60 सीधे हो गए, तो हम बोलेंगे इसकी ससेप्टिबिलिटी 60% है, पहले में 40 सीधे हुए थे 40% है, एक और लाए उसमें सिर्फ 20 सीधे हुए 20% है। तो ये क्या चीज है, ससेप्टिबिलिटी, किसी की ससेप्टिबिलिटी कम होती है, किसी की ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है, ये ससेप्टिबिलिटी, समझ में आ गया कि ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। तो ससेप्टिबिलिटी कौन सी दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन है, ससेप्टिबिलिटी इज रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड।
जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा प्रपोर्शनेट. सो पी इज इक्वल टू दिस इज ई. ये जो आपको एक उत्पटन साइन दिख रहा है दिस इज साइन. यस दिस इज साइन. साई इज ससेप्टिबिलिटी. इसे आपने ऐसे बनाना है दिस एंड दिस. ये साइन. इसको लिखा जाता है सी एच आई चाई. तो एक्चुअली ये चाई भी नहीं है, साई भी नहीं है, साई भी नहीं है, साई. ये साई बोलना मुश्किल है क्योंकि हमारे पास इंडियन लैंग्वेजेस में इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं. ये वाला प्रोनाउंसिएशन इंडियन लैंग्वेजेस में नहीं होता है तो हम बोल भी नहीं पाते उसको. सो आइदर वी मेक इट कोई चाई बोलता है, कोई साई बोलता है, कुछ भी. अगर आप इसको एग्जैक्टली बोलना चाहें तो देखिए जीभ को दोनों दांत के साथ ऐसा टच करिए और सा बोलिए सा. वो है साई. इसका एग्जैक्ट एनीवे तो हम लोग उसको अभी नहीं कर रहे हैं. हमको इसका फिजिकल मीनिंग याद रखना है. व्हाट इज साई? साई इज ससेप्टिबिलिटी एंड दिस इज रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इज पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड. ये नोट करिए पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड. और मैंने आपको एग्जांपल दिया अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड 100 लगाया पोलराइजेशन 40 का हुआ तो साई कितना हुआ? 40% 4/100. और अगर 60% पोलराइज हो गया तो 60% 60/100. ये ससेप्टिबिलिटी होती है. ज्यादा ससेप्टिबिलिटी होने से क्या होगा? ज्यादा पोलराइजेशन. कम ससेप्टिबिलिटी होने से कम पोलराइजेशन. जीरो ससेप्टिबिलिटी होगी तो आप जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो बीच वाले मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन नहीं. ठीक. अच्छा अब ये जो डाइलेक्ट्रिक ये हमने इतनी चीजें पढ़ी इसमें ससेप्टिबिलिटी आपने एक चीज पढ़ी पोलराइजेशन. दूसरी चीज आपने ये निकाला के 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 इज व्हाट? डी अपॉन ई. अच्छा डी अपॉन ई. ये अब के का एक और शुरू में हम लोग कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन. ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन है. ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां? वैक्यूम. ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां? मीडियम. ये मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वाला यस ओके. दोनों का रिलेशन क्या चीज है? के. ओके तो इससे हम लोग कैपेसिटेंस का रिलेशन निकाल चुके हैं और ये कैपेसिटेंस का रिलेशन के साथ इसको नोट करिए. देखिए ई इसके बराबर होता है सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन. ये चीज अब आपको समझ में आती है. सिग्मा क्या चीज है? चार्ज डेंसिटी. सिग्मा पी क्या है? पोलराइज चार्ज डेंसिटी जो कि उससे उल्टी डायरेक्शन में है. तो नेट चार्ज डेंसिटी कितनी बचती है? सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये नेट चार्ज डेंसिटी है. इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. कैसे? अपॉन एप्सिलॉन नॉट करके वहां पर हमको जो प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमको मिलता है. अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स निकाल सकते हैं. ये डायलेक्ट्रिक है, ये दो प्लेट है तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? ई इंटू टी. दिस इज सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिस्टेंस अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये आ गया. अच्छा इसके बाद
सिग्मा माइनस सिग्मा पी ये टर्म इसके बराबर होती है। तो इसकी हमने डेफिनेशन बनाई है के इन टर्म्स में, दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के। ये आपको याद रखना है, ये क्या चीज है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के। इसको नोट करिए, इसको याद रखिए। ओके, इसको मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। चार्ज डेंसिटी थी 100, जब हमने 100 लगाया, डायलेक्ट्रिक डाला, उस डायलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन हो गया 40। तो अब चार्ज डेंसिटी कितनी बची, 140, कितनी बची 60। ओरिजिनल कितनी थी 100, बची कितनी 60, 100 थी और बची कितनी 60। तो ये 100 अपॉन 60 दिस इज इक्वल टू के। 100 क्या है ओरिजिनल, 60 क्या है बची हुई, तो 100 अपॉन 60 इज इक्वल टू के। फिर से देखिए, 100 क्या है ओरिजिनल, 60 क्या है बची हुई, दिस इज इक्वल टू के। ये के की डेफिनेशन है, अगर कहीं नहीं आई है फिर से नोट करें, ये के होता है। ये क्या चीज है ओरिजिनल, और ये क्या है ओरिजिनल माइनस पोलराइज यानी बची के। तो सिग्मा किसके बराबर हुआ, के इंटू सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ये तो सिग्मा अपॉन के किसके बराबर हुआ, सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा पी। तो इसके लिए हमने इसको रखा सिग्मा अपॉन के इंटू पी। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है वहां एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे जरूर, यहां पर ये इस पूरे के बदले में, इस पूरे के बदले में हमने क्या रखा के, नहीं एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा सब ई के बदले में, ये आ गया एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन नॉट के। अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन एरिया। सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के अपॉन टी, ठीक है। ये b की वैल्यू आई, तो जब हम q अपॉन b करेंगे t इज इक्वल टू q अपॉन b। यहाँ q की वैल्यू क्या रखेंगे सिग्मा इंटू a, और b की वैल्यू क्या रखेंगे सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट k। सो दिस विल बिकम एप्सिलॉन नॉट k a अपॉन, ये किसकी वैल्यू आई, c व्हेन देयर इज डाइलेक्ट्रिक बिटवीन। तो C with dielectric is this, क्योंकि यहां पर हमने कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, जो कि डायलेक्ट्रिक लगाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है ओनली, और इससे वो रिलेशन आएगा जो हम पहले निकाल चुके हैं, जैसे C with dielectric upon C without dielectric is equal to K।
स्मॉल डी डिस्प्लेसमेंट है, तो स्मॉल डी डिस्प्लेसमेंट है ये डी, डी इज डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, बोले इस तरह से ये के रिलेशन। तो इतनी सारी चीजें हैं, इसको अगर आप बारी बारी से पढ़ेंगे थोड़ी आधी समझ में आएंगी आधी नहीं समझ में आएंगी, बट इवन देन इट इज गुड इनफ। लेकिन अब आपके दिमाग में कुछ चीजें पक्का है आ गई हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है, ये तो समझ में आ गया है। दूसरा, जो भी हमारे चार्जेस इफेक्टिव होते हैं, जब भी हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो इफेक्टिव चार्जेस हमेशा कम हो जाया करेंगे, कितने हो जाएंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाया करेगा, ठीक। उस कम के लिए हम लोगों ने दो तरह के रिलेशन पढ़े हैं, इसीलिए शायद अभी कंफ्यूजन हो रहा है, एक के वाला रिलेशन पढ़ा है और एक पोलराइजेशन वाला पढ़ा है। लेकिन उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो अब आपको समझ में आ रहा है कि चूंकि एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए डाइलेक्ट्रिक डालने से हमेशा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ये हमको याद रखना, ठीक। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में दैट विल बी लास्ट क्लास ऑफ कैपेसिटर, बट दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें हम लोग कुछ चीज़ें करने वाले हैं कैपेसिटर की, जिसकी एग्जामिनेशन वैल्यू बहुत है, कि जब हम दो कैपेसिटर जोड़ते हैं तो उसमें चार्ज का, उसमें क्या क्या चीज़ों का लॉस होता है। फिर से, दो कैपेसिटर को ज्वाइन करेंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कौन सी चीज कंजर्व करेगी, कौन सी चीज नहीं कंजर्व करेगी, नहीं कंजर्व करेगी तो कहाँ जाएगी, कितना लॉस होगा, इसको स्टडी करेंगे। और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी मशीन के बारे में पढ़ेंगे, वेंडीग्राफ जनरेटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग भी बहुत है, प्लस एग्जामिनेशन की वैल्यू भी उसकी बहुत है, अगर वो आप आता है तो वो अकेला क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास।